पंकज महिंद्रा अपहरण कांड के आरोपी माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को आज प्रयागराज गैंगस्टर कोर्ट में गवाही के लिए लाया गया था, जहां कोर्ट में उसको बुलेट प्रूफ जैकेट में पेश किया गया। प्रयागराज में हुए अतीक अशरफ हत्याकांड और लखनऊ कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड से सबक लेते हुए पुलिस ने बबलू की पेशी के दौरान उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कोर्ट में पेशी हुई, उस वक्त डॉन बबलू श्रीवास्तव काफी डरा हुआ था। बबलू श्रीवास्तव पसीने से तरबतर था। बबलू श्रीवास्तव के चेहरे पर डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। बबलू को बरेली जेल से ही कड़ी सुरक्षा के बीच कौशाम्बी जेल लाया गया था और फिर उसकी प्रयागराज कोर्ट में पेशी कराई गई। ये मामला 8 साल पहले हुए सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण कांड से जुड़ा हुआ था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, ये अतीक और अशरफ हत्याकांड था और इसी हत्याकांड से सबक लेते हुए पुलिस ने आज यहां पर डॉन को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए रखी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच उसको कोर्ट में पेश किया गया, यहां तक कि जब उसको बरेली जेल से कौशाम्बी जेल लाया गया तब भी कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, और आज जब उसे जेल से पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची तब भी आप देखिए कैसे डॉन बबलू को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पुलिस लेकर पहुंची। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।